श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन अंतर का पट खोल। आदरणीय सज्जनवृंद, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सुकिरत करिले नाम सुमिरिले को जान कल की जगत में खबर नहीं पल की। झूठ कपट करी माया जोरिन बात करे छल की। आप की पोट धरे सिर ऊपर इस विधि हुए हल की। यह मन तो है हस्ती मस्ती काया सांस में नाम सुमिरिले अवधि घट तन की। काया अंदर हंसा बोले खुशियां कर दिल की। जब यह हंसा जाहिंगे मट्टी जंगल की। काम क्रोध मद लोभ निवारो याही बात असल की। ज्ञान बैराग दया और राखो कह कबीरा दिल की। जगत में खबर नहीं पल की। सुकिरत करिले नाम सुमिरिले को जान कल की। भगवान श्री कृष्ण का महावाक्य है, यह शरीर क्षेत्र है। इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संग हो गया है। क्षेत्र अर्थात शरीर नाशवान है, क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीरी अविनाशी है। विनाशी और अविनाशी इन दोनों का संग हो गया है। विनाशी असत्य है, अविनाशी सत्य है। सत्य और असत्य का मेल अधिक दिनों तक टिकता नहीं है। संत कबीर साहब ने कहा, साँचा को साँचा मिले अधिका जुरे स्नेह। साँचा को झूठा मिले दर्द टूटे नेह। शरीर और शरीरी दोनों का संबंध अधिक दिनों तक नहीं रहता है। शरीर और शरीरी का मिलना बिछोड़ना कितनी बार हुआ है इसकी गणना नहीं है। संत कबीर साहब की वाणी में आया है, कहत प्राण सुनु काया बौरी मोर तोर संग न होई। कोई अस मित्र बहुत हम त्यागा संग न लिन्हा कोई। जीव अनेको शरीर को धारण करता और छोड़ता है। इस दृष्टि से शरीर और शरीरी का अलग अलग विभाग हुआ। शरीर इस लोक के लिए है, इस लोक में इसका जन्म हुआ है, कुछ दिनों तक रहेगा फिर नहीं रहेगा। लेकिन जीव कभी मरता नहीं है। जीव उसको कहते हैं जो सदा जीवित रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, नयनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नयनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। श्रीमद् भागवत गीता। अर्थात इस आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, जल भिगा नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। यह अजर अमर अविनाशी है।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी में हम कह सकते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अर्थात आत्मा नित्य है, चेतन है, निर्मल है और सुख की राशि है, वह इस अनित्य शरीर में है। एक ना एक दिन यह शरीर छूटेगा, हमारा शरीर छूटेगा लेकिन हम रहेंगे। प्रश्नोदय होता है कि हम रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। उत्तर में निवेदन है कि हम लोगों के जो कर्म होते हैं वे हमारे साथ रहते हैं, उनके फल हमको भोगने पड़ते हैं। उन कर्मों के अनुसार उन लोकों में हम जाकर रहेंगे और तदनुकूल फलों के भोगों को भोगेंगे। संत कबीर साहब चेतावनी देते हैं, बुरे कर्म तो करो ही नहीं क्योंकि उसका फल दुख होता है। अच्छे कर्मों को करो, सुकिरत कर ले। जो शुभ कर्मों को करते हैं उनकी कृति फैलती है, यश फैलता है। भगवान बुद्ध ने कहा है, जो सदाचारी होते हैं उनको पांच चीजें मिलती हैं। संसार में उनकी कृति फैलती है, उनके पैसों का सदुपयोग होता है, दुरुपयोग नहीं होता। जिस किसी सभा में उनका प्रवचन होता है या वे जो बोलते हैं उससे लोग प्रभावित होते हैं। जब उनका शरीर छूटता है तो सुख से शरीर छूटता है, सुख से शरीर से छूटता है और शरीर छूटने के बाद वे सुखमय लोक में निवास करते हैं। इसके विपरीत जो आचारहीन हैं, दुराचारी हैं, उनको भी पांच चीजें मिलती हैं। वे पांच चीजें क्या हैं? जहाँ सदाचारी की कृति फैलती है, यश फैलता है, वहाँ आचारहीन, आचरणहीन दुराचारी का अपयश फैलता है, अपकृति फैलती है। जहाँ सदाचारी के धन का सदुपयोग होता है, वहाँ दुराचारी के पैसे का अपव्यय होता है। जहाँ सदाचारी के प्रवचन का प्रभाव होता है, वहाँ दुराचारी के प्रवचन वचन का प्रभाव नहीं पड़ता। यद्यपि लोग सुनने के समय उनका प्रवचन सुन लेते हैं किंतु पीछे उनकी निंदा करते हैं। जहाँ सदाचारी का शरीर सुख से छूटता है, वहाँ दुराचारी का शरीर दुख से छूटता है। सदाचारी के शरीर छूटने पर वे सुखमय लोक में जाते हैं और वहाँ सुखपूर्वक रहते हैं। दुराचारी दुखमय लोक में जाता है और वहाँ दुखमय जीवन जीता है। इसीलिए संत कबीर साहब कहते हैं, सुखिरत करी ले, शुभ कर्मों को करो, इससे यह लोक कल्याणमय होगा, मंगलमय होगा। इस लोक में सदा तुम रहोगे नहीं, एक ना एक दिन शरीर छूटेगा और लोक जाओगे। वहाँ के लिए संबल चाहिए। गुरु नानक साहब ने कहा, जो मार्ग के गनय जाय न कोषा, तहां हरि को नाम सदा संगी तोषा। रास्ता इतना लंबा है जिसकी माप नहीं हो सकती, यहाँ के लिए पाथेय क्या होगा, बट खर्चा क्या चाहिए, संबल क्या चाहिए। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, उस मार्ग के लिए प्रभु का नाम, भगवान नाम पाथेय है। उसी के संबंध में संत कबीर साहब कहते हैं, नाम सुमिरि ले, जागतिक जीवन सुखमय हो, कल्याणमय हो, कल्याणमय हो, इसके लिए नाम का सुमिरन करो, नाम का स्मरण करो। स्मरण शब्द का अपभ्रंश सुमिरन है। महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का श्रीमद् भागवत गीता में वाक्य है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुष्पर युद्ध च। अर्थात जागतिक कार्य संतुलन के साथ सब समय मेरा स्मरण करो। स्मरण यानी याद। याद शब्द को उलटने से दया शब्द बनता है। जो कोई प्रभु को याद करते हैं तो वह प्रभु के दरबार तक पहुंचती है और वहां से उलटने पर दया बनकर आती है।
परिणाम स्वरूप जिस पर प्रभु की दया हो जाए उसको किस बात की कमी रहेगी। उसकी प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल परिस्थिति में परिवर्तित हो जाए कौन सी असंभव की बात है। नाम के स्मरण से क्या लाभ होता है, इसके उत्तर में संत कबीर साहब कहते हैं, सुमिरन से सुख होत है सुमिरन से दुख जाए, कह कबीर सुमिरन किए साईं माही समाए। अर्थात प्रभु के स्मरण से सुख मिलेगा, दुख मिटेगा, यानी दुख से छुटकारा मिलेगा और परम प्रभु परमात्मा में जा मिलोगे। पुनः संत कबीर साहब कहते हैं, प्रभु का स्मरण राजा रंक नर नारी आदि सभी कोई करते हैं, सभी अच्छे हैं, किंतु सबके स्मरण करने में अंतर है। अर्थात कोई सकाम स्मरण करते हैं और कोई निष्काम स्मरण करते हैं। सकाम स्मरण के फल से निष्काम स्मरण का फल भिन्न होता है। सकाम भक्त उत्तम ठाम पाते हैं और निष्काम भक्त प्रभु का अविचल धाम पाते हैं। राजा राणा राव रंक बड़ा जो सुमरे नाम, कह कबीर बड्डो बड़ा जो सुमरे निष्काम। नर नारी सब नरक है जब लगी देह सकाम, कह कबीर सोई पीव को जो सुमरे निष्काम। सहकामी सुमिरन करे पावे उत्तम ठाम, निहकामी सुमिरन सुमिरन करे पावे अविचल। संत कबीर साहब की ही भांति गुरु नानक देव जी कहते हैं, प्रभु के स्मरण से सुख मिलता है, कली क्लेश का निशेष होता है, प्रभु का स्मरण से गर्भवास नहीं होता, प्रभु के धाम में निवास होता है और यम त्रास मिटता है। सिमरौ सिमिरे सिमिरे सुख पावो, कली क्लेश तन माही मिटावो। सिमरौ जासु विशंभर एके, नाम जप जपनत अनेके। प्रभु के सिमरन गर्भ न बसे, प्रभु के सिमरन यम दुख नसे। यह कौन सा सुमिरन है, इस प्रकार का सुमिरन है संत कबीर साहब ने कहा है, जप तप संयम साधना सब सुमिरन के माही। कबीर जाने भक्त जन सुमिरन सम कछु नाही। इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन मास ध्यान साधना के अवसर पर देहरी ऑन सोन में दिनांक 16/11/1997 ईस्वी को हुआ था। श्री सदगुरु महाराज की जय।